क्या आप जानते हैं कि एसएस राजामौली की फिल्म बाहुबली में कटप्पा के रोल के लिए सत्यराज पहली पसंद नहीं थे। मेकर्स इस रोल के लिए संजय दत्त को साइन करना चाहते थे। इसका खुलासा बाहुबली के राइटर और एसएस राजामौली के पिता वी विजेंद्र प्रसाद ने किया था। उन्होंने बताया कि वह और बाहुबली के मेकर्स फिल्म में कटप्पा के रोल के लिए संजय दत्त को साइन करना चाहते थे, पर वो ऐसा नहीं कर सके क्योंकि तब संजय दत्त जेल में थे। बाहुबली द बिगिनिंग साल 2015 में आई थी। मूल रूप से तमिल और तेलुगु भाषा में बनी इस फिल्म को बाद में पैन इंडिया हिंदी भाषा में भी रिलीज किया गया था। फिल्म में प्रभास बाहुबली के रोल में थे और सत्यराज कटप्पा बने थे। फिल्म में तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, राणा दग्गुबाजी, नस्सर और अनुष्का शेट्टी जैसे सितारे थे। बाहुबली ब्लॉकबस्टर रही। यह उस वक्त की सबसे महंगी फिल्म थी और इसका बजट करीब 180 करोड़ रुपए था। वी विजयेंद्र प्रसाद ने 2020 में रेडिफ को दिए इंटरव्यू में कटप्पा और बाहुबली के रोल को लेकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि बाहुबली के रोल के लिए शुरुआत से प्रभास ही पहली पसंद थे। वहीं कटप्पा के रोल के लिए संजय दत्त का नाम दिमाग में था। उन्होंने कहा था, सिर्फ कटप्पा के रोल के लिए हमारे दिमाग में संजय दत्त थे, पर उस वक्त उनके जेल में होने के कारण ऐसा हो पाना मुश्किल था। इसके बाद अगला ऑप्शन सत्यराज थे। विजेंद्र प्रसाद ने फिर आगे बताया था कि उनके दिमाग में बाहुबली की कहानी ने कैसे जन्म लिया था। उन्होंने कहा था, मेरे बेटे एसएस राजामौली ने मुझसे कहा कि वह प्रभास के साथ एक फिल्म बनाना चाहता है। उसने कहा कि यह एक कॉस्ट्यूम ड्रामा होना चाहिए और वह उसमें अच्छे एक्शन सीन्स को पिक्चराइज कर सके। विजेंद्र प्रसाद के मुताबिक एसएस राजामौली चाहते थे कि फिल्म में महिला किरदार भी पुरुष किरदारों के बराबर ही शक्तिशाली हों और फिल्म में कुछ ग्रे कैरेक्टर भी शामिल किए जाएं। विजेंद्र प्रसाद ने बताया कि बाहुबली के लिए उन्होंने जो पहला किरदार लिखा था वह कटप्पा का था। उन्होंने इसके लिए एसएस राजामौली को दो इंट्रोडक्शन सीन सुनाए थे। इनमें से एक सीन वहां था जिसमें एक महिला पानी में डूबी हुई है और बच्चे को हाथ में उठाए हैं। बाद में यही सीन बाहुबली का आइकॉनिक सीन बन गया। बाद में इस फिल्म का दूसरा पार्ट बाहुबली द कंक्लूजन बना था और वह भी सुपरहिट रहा था।